सर असम में लगातार उलट फेर हो रहे हैं, पार्टी में अदला बदलियां भी हो रही हैं एक दूसरे की, अब क्या आप देख रहे हैं सर लोकसभा में चुनाव में? सर देखिए, चुनाव जो देश में हो रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार एनडीए गवर्नमेंट का है, खतरनाक है। लोग समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे नहीं तो बाद में सबको तकलीफ होगी। लोकतंत्र मजबूत रहना जरूरी है, तभी चुनाव होते रहेंगे। और अधिकार लोगों को मिला हुआ एक वोट का, वो जिंदा रहेगा। मेरी दृष्टि के अंदर जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके राजनीति हुई है, तो बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है। तो इस माहौल में हम चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में मैं कह सकता हूँ कि माहौल अच्छा है, क्योंकि हमारी स्कीम अच्छी थी। अब वो सरकार बदल तो गई है, झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर, लोग भ्रमित हो गए, अब लोग गांव में याद कर रहे हैं हमारी स्कीमों को। दूसरा, जो नई गवर्नमेंट अभी टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, और तीसरा, जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, अब जनता उनका जवाब मांगेगी वापस बीजेपी नेताओं से। तो माहौल तो ऐसा लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर भी, ये लगता है। सीट बची हुई है धौलपुर बांसवाड़ा वाली, सॉरी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली, इसके ऊपर अब तक कोई हो जाएगा क्या बातचीत चल रही होगी दिल्ली के अंदर? बातचीत राजस्थान के अंदर कुल मिला के जो बीजेपी दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप होगी, बीजेपी के दावे के छोड़ो, उनके दावे खोखले हैं। इस बार उनके दावों की पोल खुल गई है। कैंडिडेट की माली हालात को लेकर, खासतौर से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, वो इलेक्शन को लेकर इलेक्टर जो हमारे अकाउंट बंद कर दिए हैं, डेमोक्रेसी उचित है क्या?